आज 2 दिसंबर है, नो 4 दिसंबर। यस गाइस, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस शीट सॉल्व करता है कि नहीं करता है? चलो आज अपन एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। कहाँ गए अपने क्वेश्चंस? वेट हाँ, वेट वेट वेट, स्क्रीन शेयर हो गया बेटा? हो गया सर। चलो गाइस, गाइस आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, ये टॉपिक अच्छे से सबको आना चाहिए। गुप्ता जी, आईडी में बहुत आता है, और दूसरा 12th वाले जो बच्चे हैं उनका तो ये बोर्ड में भी आता है। हाँ सर, है ना, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो। चलो गाइस, एवरीबॉडी, इट इज क्वाइट इट इज नो डाउट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? इफ सपोज वी हैव अ सर्कल दिस, है ना बेटा, और एक सपोज एक आपके पास लाइन है एंड दैट इसको ऐसे टच कर रही है ना बेटा। तो ये जो इसको ऐसे टच करती है ना बेटा, ओके, तो देखो बेटा, ये दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये क्या करती है? टच एट वन पॉइंट ओनली। साथ ध्यान समझना ना बेटा, ये सर्कल ले दो तो ये टेंजेंट हो गई, तो एक पॉइंट हो जाएगा एक्स वन कॉमा वाई वन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते बेटा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। ये एक सर्कल हो गया एस इक्वल टू जीरो। ओके, तो गाइस देयर थ्री थिंग्स। वन, एस इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकेंड, एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। है ना, लाई ऑन द सर्कल एंड स्ट्रेट इक्वेशन टेंजेंट बोथ। यस गाइस, लाई ऑन द बोथ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंड थर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गाइस, तो ये याद रखो, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग। वन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेकंड एट पॉइंट, एंड थर्ड इज टेंजेंट। ओके, अब क्योंकि तुम सुधीर मिश्रा से पढ़ रहे हो, तो मैं बहुत अलग अलग वे से इसको पढ़ाऊंगा, है ना। प्लीज कंसंट्रेट करना। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है और ये सपोज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, है ना। ओके, ये टेंजेंट है ना बेटा। तो बेटा ये बचपन में हम पढ़ते हैं, तो ये इसका एक सेंटर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सी, है ना। अब ध्यान, ऑलवेज रिमेम्बर कि ये एक परपेंडिकुलर होगा, अरे यार। ओके, ओके बेटा, तो अब देखो बेटा, ये याद रखो, ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर। ये सी इसको पॉइंट ले, तो सी पी क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर सी टू स्ट्रेट लाइन, दैट इज टेंजेंट। तो याद रखो, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, एक तरह से सी पी क्या हो जाएगा बेटा, सी पी डायमीटर भी हो जाएगा,
है ना, द रेडियस, रेडियस 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 हो जाएगा ना बेटा। अच्छा इफ यू विल जॉइन, ये याद रखो परपेंडिकुलर, देखो बेटा पी क्या होगा एक तरीके से, पी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट टू टेंजेंट, कोई दिक्कत है ना, एक तरह से ये सी ये हो गया। देखो ये अलग अलग से फंडे कंसेप्ट बता रहा हूँ जिससे यू कैन रिमेम्बर ये कैसे क्या होता है। याद रखो सीपी हमारे पास जो था ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और पी एक तरह से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन के ऊपर। ओके तो एक तो हमारे पास आ गया कि अच्छा अब एक बात बताओ सीपी इक्वल टू क्या हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या था बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल। अरे बोलो ना, हाँ ओके तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बहुत बार बार आएगा है ना, ये बार बार आएगा कि रेडियस आ जाएगी आप सर्कल है ना बेटा, ये आपको यू हैव टू रिमेम्बर कि रेडियस होता है। देखो एक्चुअली क्या है बेटा, बहुत सिंपल सा कंडीशन फंडा है, ये सर्कल है तो थ्री टाइप की लाइन हो सकती है, या तो बाहर होगी और फिर या तो इट विल बी आउटसाइड ठीक है, और इट विल बी टच है ना, और इट विल बी कॉर्ड है ना बेटा। अब देखो बेटा अब देखो ध्यान सुनो, एकदम ध्यान समझना बेटा, सपोज दिस इज द सेंटर, सी सेंटर है एंड ये सपोज या तो पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा या पी यहाँ होगा, पी वन पी टू पी थ्री। देखो सी पी वन परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन बेटा, एक तरीके से ये सी पी की थ्री वैल्यूज हैं, सी पी वन सी पी टू और सी पी थ्री। अब देखो ध्यान सुनो बेटा, इसको सी पी रहने दो है ना। अब देखो बेटा एक तरह से सी पी क्या हो गया, अगर आपके पास अब ध्यान सुनना बेटा, एक एस इक्वल टू जीरो है तो सेंटर निकाल सकते हो आप, प्लीज समझना इसको, और एक टेंजेंट है, सपोज टेंजेंट की लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना, और आर रेडियस है ना, ये किसी सर्कल को अपन एक बार समझने की कोशिश की। अरे गाइस कैन यू, आपको दिख रहा है ना, तो देखो अब ये जो सी पी है आइदर इट कैन बी लेस देन रेडियस, देखो अगर मैं बात करूँ ये लेंथ है तो CP यहाँ पे क्या हो गया, लेस देन रेडियस हो गया। अरे यस, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर CP जो है वो इक्वल टू रेडियस और यहाँ पर CP क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन रेडियस हो गया। यस और नो, कोई प्रॉब्लम बेटा, कुछ नहीं है, अगर CP जो है वो रेडियस से स्मॉल है या रेडियस के इक्वल है और रेडियस है ना ऐसा है, कुछ नहीं बेटा यहाँ से डिसाइड हो जाता है क्या, ये कॉर्ड बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी और ये आउटसाइड लाइन बन जाएगी। सर वो सेकंड नहीं बनेगी, सेकंड एक ही बात है है ना बेटा। तो देखो बेटा कॉर्ड टेंजेंट और दिस,
तो आपको याद रखना है ये जो पहले बढ़ाया था क्या ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, है ना। अगर लाइन यहाँ तक है तो रेडियस स्मॉल हो जाएगी, अगर इसके बराबर है तो टेंजेंट बराबर हो जाएगी, और बाहर होगी तो आउटसाइड कॉर्ड बन जाएगी। दिस इज द वेरी सिंपल फंडा, गेटिंग एवरीबॉडी, है ना। सीपी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द सर्कल। यस गाइस सुनो, मेरा जो बेसिक फंडा आपको बताना था ना, ये आज के नोट्स बहुत प्रॉपर लिखना, बिकॉज ऑल आर कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, कंसेप्ट ऑफ जी। सीजी सीजी जब भी लिखाता हूँ ना मैं, याद रखना है कंसेप्ट ऑफ जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो डा, कंसेप्ट ऑफ सीजी मतलब क्या है, सिंपल सा फंडा कि आपको याद रखो कि कोई टच करता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आता है, एक सर्कल होता है, एक पॉइंट होता है, और एक टेंजेंट की इक्वेशन होता है, है ना। अगर सर्कल को कोई ऐसे टच करता है एक पॉइंट पे, ये तो ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ओके फाइनली अगर मैंने सपोज माना कि देयर थ्री लाइंस है, तो कॉर्ड में हमेशा लेस देन होगा, टेंजेंट में रेडियस के बराबर होगा, और आउटसाइड लाइन में रेडियस से ज्यादा होगा। इट्स सिंपल कंसेप्ट, ओके, है ना। अब देखो एक इसको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा व्हाट इज अ रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन, तो या तो क्या होगा ये सर, या तो क्या होगा बेटा, सर्कल को ऐसे कट करेगी और टच करेगी और आउटसाइड होगी। इन थर्ड के अलावा और इन तीसरे के अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। अरे बोलो ना, हाँ यस। तो अपन क्या करेंगे, कुछ सिंपल सा, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सर्कल और ये कोई लाइन है, तो सर्कल का कोई पॉइंट है सेंटर लिया, सेंटर पॉइंट है, सेंटर क्या दे दिया था, देखो बेटा सबको बताया इसका सेंटर तो 0.0 हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, obviously r square मतलब 4 square मतलब radius हो गई 4, अब देखो बेटा ये कोई लाइन है, हमको नहीं पता भी कहाँ है, हमको नहीं पता क्या लाइन है बेटा, 2x plus 3y is equal to minus 1, है ना। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, we will calculate this foot of length of perpendicular, OP निकाला, तो क्या formula था जल्दी बताओ, अगर एक point है x1, y1, ax1 plus by1 plus c upon under root a² plus b², very good, perpendicular निकाला तो ax1 plus by1 plus c upon root over a² plus b², ये परपेंडिकुलर का लेंथ होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, ओपी क्या हो जाएगा, 2x की जगह 0, 3y की जगह 0, माइनस 1 रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 9, तो ये कितना आ गया बेटा, माइनस 1 अपन रूट 13, लेंथ है तो पॉजिटिव ले लेंगे। अरे इससे यस, अरे हाँ देखो बेटा, यस सर, यस सर, आपका 1/√13, ऑब्वियसली रेडियस जो है वो ग्रेटर देन ओपी हो गई। यस ये कौन सा केस हो गया, जैसे ये वाला हो गया, रेडियस इज ग्रेटर देन कॉर्ड इनसाइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्ड ऑफ सर्कल हो जाएगा। अरे यस यस सर, इट्स सिंपल, कुछ ऐसा अलग से नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, एकदम सिंपल सिंपल बात है, है ना। चलो तो अभी आपके पास एक चीज आ गई, अभी एवरीबॉडी कंसंट्रेट है ना, कि जो एक एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, गाइस ध्यान सुनो, अब कुछ भी दुनिया बाहर इधर जाए, टेंजेंट अल्टीमेटली तो है क्या,
बोले तो स्ट्रेट लाइन है तो, अरे यस, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तो हमको टू कंडीशन नीडेड होती है. यस, वेरी गुड. टू इक्वेशन या टू कंडीशन हमको नीडेड होती है. अरे यस, तो हम लोग इक्वेशन कंसीडर क्या करेंगे, y = mx + c. तो टू वेरिएबल्स हो गए, टू वेरिएबल्स हो गए हमारे पास. कौन कौन से बेटा, m एंड c. अरे यस, यस सर. तो बस हमको क्या करना है, टू कंडीशंस और टू इक्वेशन निकालना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. अरे यस, अब समझो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको बल्ब क्या जलना चाहिए, मेरी बात सुनो. फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पता आना चाहिए, है ना, ये आपको चलना चाहिए. सेकंड आपका पॉइंट होना चाहिए परपेंडिकुलर, जो ओपी था ना, इक्वल टू रेडियस. गाइस आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा. आपके जो दोनों बल्ब चलना चाहिए, बल्ब से यू विल गेट द आंसर कि क्या होगा. ये बेटा प्रॉपर इसके नोट्स लिखना आज के, ये सब कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ. अब आते हैं सीधे सीधे एसएमटीज या इक्वेशन, है ना. ये एसएमटी अब सब बुक में आती है, तो एसएमटी जैसी रह नहीं गई है. अब देखो, एक आएगी टी इजिकल टू जीरो मेथड. गाइस सुनो, ये इसका नाम टी इजिकल टू जीरो से, इससे यू कैन फाइंड आउट टेंजेंट ऑल्सो. मतलब ये जो मेथड है ना, इससे तुम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो. बाद में बताऊंगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी चीज, है ना. अब ये मेथड क्या होती है, ध्यान सुनना एवरीबॉडी, प्लीज कंसिडर. इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है किसको, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई बाय वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू. गाइज बस खत्म हो गया खेल. ये आपने टी इजिकल टू जीरो आपने निकाल लिया. यस, इम्पोर्टेंट है ये, एसएमटी बार बार काम आएगी, इसलिए याद रखो. ठीक है, बाय टू था. ऐसा क्यों हो रहा है यार, ओके चलो अभी थोड़ा सा इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सर वहां पे पेज खत्म हो गया है. अच्छा पक्का? हाँ सर. हाँ यस, गुड बॉय, पेज फिनिश हो गया इसलिए सर. वह चलो कोई बात नहीं, इसको हटा ही देते हैं. ये एसएमटी आ गई. अब देखो कैसे करना है इसको. सुनो, फॉर एग्जांपल एक सर्कल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर वाई, और लेट प्लस के ले लेता हूँ, है ना. और ये 2.3 पॉइंट है ऑन द सर्कल, है ना. अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, है ना. ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसलिए निकाल रहे हैं बेटा, बेटा ये मैंने के इसलिए लिया ताकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सर टेंजेंट की कोई जनरल इक्वेशन नहीं आती जैसे सर्कल की है?
ऐसी तो आएगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, स्ट्रेट लाइन है तो okay. गाइस देखो बेटा, तो x इसको लिखोगे आप x x वन, y को यू राइट y y वन, सिक्स एज इट इज, x को लिखोगे x प्लस x वन बाय टू प्लस फोर एज इट इज, y को यू राइट y प्लस y वन बाय टू प्लस k कांस्टेंट एज इट इज। यस बेटा, बेसिक थिंग इज x x वन y y वन, x प्लस x वन बाय टू y प्लस वन बाय। अब देखो मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या हो गया था, x x वन होता थ्री सॉरी टू प्लस y, y वन इज थ्री प्लस टू से सिक्स या थ्री, x प्लस x वन प्लस टू y प्लस y वन प्लस k इज इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल हो गया देखो टा, 2x plus 3y, 3x plus 6 plus 2y plus 6 के इक्वेशन है। ये देखो 3 plus 2 5x plus 3y plus 2 5y plus 6 12 plus k is equal to 0. This is equation of circle. Yes, अगर ये k कोई constant होता ये पूरी value आ जाती। अरे यस गेटिंग, मैंने क्या किया बेटा देखो बहुत सिंपल है, x स्क्वायर को x x वन, y स्क्वायर को y y वन, फिर x प्लस x वन बाय टू, y प्लस y वन बाय टू एंड नथिंग। गाइस आज एक ही क्लास हो पाएगी है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर दिया मैं, देखो ध्यान सुनो, एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई 8.1,1 तो देखो ये 1 + 1 - 8 + 8 ये कोई इक्वेशन है ना बेटा। अब हमको निकालना है, ये क्वेश्चन है, ध्यान सुनो बेटा। पॉइंट तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये ऑन द सर्कल है कि नहीं है। तो ऑन द सर्कल क्या हुआ, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस एट माइनस फोर, वन प्लस वन टू, टू रे टेन, टेन माइनस सिक्स प्लस फोर तो जीरो। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यस ये ऑन द सर्कल है, यस ऑन द सर्कल हो गया है ना बेटा। अब देखो ध्यान सुनो, अब बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर को विल पुट एक्स एक्स वन, y स्क्वायर को y y वन माइनस सिक्स x प्लस x वन बाय टू प्लस एट y प्लस y वन बाय टू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके अब x x वन, तो x वन क्या हुआ वन इंटू x प्लस y वन क्या वन इंटू y माइनस टू x प्लस y y प्लस वन माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो x प्लस वाई माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस फोर वाई प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का टू एक्स प्लस का फाइव वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये आपका इक्वेशन आ गया। यस ये आपका टेंजेंट हो गया। कोई दिक्कत गाइस इसमें किसी को? नो दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, कम ऑन फास्ट। अच्छा पहले एक बार इसको कॉपी कर लो, इतने से को इतना सा कॉपी करो, कम ऑन।
कम ऑन राइट डाउन दिस बेटा कम ऑन कम ऑन डन गुड गुड उस जान एक बार प्रेम कर लो वेरी गुड कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस Everybody done? Yes, sir, done. So, guys. चलो जल्दी करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस टेन वाई एट द पॉइंट वन कॉमा वन Come on, guys. Guys, do fast. Come on. की ठोकने की आवाज आ रही है कहां से लाए क्या डन सर गुड देखो इधर आओ लगा दिया हाँ ये से जो ऐसा लग जाएगा ऐसा हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे समझ आ रही कैसा हो रही है दो पे टिक जाएगा तो गाइस डन देखो बेटा यस सर डन स्क्वायर रूट का x x 1 y स्क्वायर को y y 1 माइनस 8 x प्लस x 1 बाय 2 प्लस 10 y प्लस y 1 बाय 2 माइनस 17 तो ये क्या x इनटू 1 y इनटू 2 x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 minus 17 is equal to 0. अब तो आप लिख ही सकते हैं x plus minus 4x तो minus का 3x 2y plus 5y 7y minus 4 और 10 minus 4 plus 5 और 10 मतलब 6 minus 11 6 सर minus 11 आएगा printing mistake Yes. Getting everybody? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब ये एक और करो क्वेश्चन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो एट थ्री कमा फोर टू Not a tangent. Not a tangent नहीं
हाँ टेंजेंट नॉट पॉसिबल। देखो बेटा पहले इस पॉइंट को इसके ऊपर रख के देखो, 3 रखोगे तो 9, 4 रखोगे तो 16, माइनस 18 प्लस 12 माइनस 2, तो ये इक्वेशन को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 18 है ना, तो नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट यस नॉट ऑन द सर्कल। तो टेंजेंट जो है ना इस पॉइंट पे, टेंजेंट नॉट पॉसिबल 8 3,4। यस ये इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? यस सर। यस सर। देख ये तो मैं पढ़ा चुका ना इनसाइड आउटसाइड वाला। तो देखो बेटा अगर कोई इक्वेशन है एस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, या तो सपोज ये सर्कल है या फिर ये इलिप्स है या फिर ये पैराबोला है ना, हाइपरबोला नहीं है, तीनों में से कहीं भी है, और एक कोई पॉइंट है आपके पास पी पॉइंट है एक्स वन कॉमा पॉइंट। तो जब आप इस पॉइंट को इसके अंदर रखते हो, मतलब एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन, एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन प्लस सी, इसको बोला जाता है एस वन, है ना। अब देयर थ्री कंडीशन, या तो आपका एस वन लेस देन 0 होगा, या एस वन इक्वल टू 0 होगा, या एस वन ग्रेटर देन 0। अगर एस वन लेस देन 0 है तो इनसाइड पॉइंट इज इन पॉइंट इनसाइड होगा, अगर ऑन द टेंजेंट पॉइंट अंदर होगा ये। ओके सर ये हम पढ़ चुके हैं है ना, थ्री कंडीशंस होती हैं। पॉइंट को उसके अंदर रखो, पोजीशन पता कर लो। देखो जैसे अपने पास सपोज एक पॉइंट है, एक सर्कल है, सपोज सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक पॉइंट है 1,1, एक पॉइंट है 2,1 है ना, और एक पॉइंट है आर पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ वाई है, वेट 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 टू कॉमा थ्री है ना। अब देखो बेटा सबसे पहले मैंने कहा कि एस इक्वल टू 0 है। अब देखो एस वन क्या हुआ, मैंने पहले पी पॉइंट रखा, तो पी पॉइंट क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर लेस देन 0 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 17, तो ये आ गया ग्रेटर देन 0 यस सर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा है ना। दूसरा एस टू ले लिया क्यू वाला, वो इस पे रखा तो क्या जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 -12 1 -10 +17, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो ये ऑन द सर्कल हो जाएगा। यस और सपोज एक एस थ्री ले लिया आर पॉइंट, आर रखा तो क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 12 प्लस -30
प्लस 17 तो कितना हो गया बेटा लेस देन जीरो हो गया यस है ना, तो ये इन द सर्कल। अरे यस और नो गेटिंग बेटा, तो बहुत सिंपल। अरे आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। ग्रेटर देन जीरो तो आउटसाइड, इक्वल टू जीरो तो ऑन द सर्कल, और लेस देन जीरो मतलब इन द सर्कल। यस, ऐसे कोई भी कर्व हो सकता है, बस पॉइंट रखना होता है। नहीं मिला मेरे को भी नहीं मिला था। यस गाइस ये हो गया। अब देखो अब एक मेरे को बहुत अच्छी मेथड लगती है, ध्यान सुनना। अगर एक सर्कल है, लिसन, ये एमएम है मेरा मेथड बेटा, प्लीज ध्यान सुनना। लेट द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड लाइन इज y is equal to mx plus c। देखो बहुत स्पेशल है सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, अरे यस, और एक लाइन है y is equal to mx plus c। अब देखो बेटा, अब अपने को डिस्कस करना है इज इट टेंजेंट है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान सुनो। अब देखो बेटा, अब मेरे को एक बात बताओ, सब लोग समझ के मेरे को बोलना। अगर एक सर्कल है ऐसा, अब एक लाइन उसको कट कर रही है, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? टू टू